जानी आप लोग को पता ही हो कि सरस्वती पूजा बहुत ज्यादा करीब आने वाला है। सिंपली आप लोग को इसीलिए आपका भाई एक कमाल का फोटो एडिटिंग लेके आया है, जिसमें आप लोग को बताने वाला हूँ कि कुछ इस टाइप का सरस्वती पूजा फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो भाई लोग आप लोग को पूरे यूट्यूब पे ऐसा फोटो एडिटिंग कोई नहीं सिखाया होगा सरस्वती पूजा फोटो ही, तो इसलिए आप लोग क्या करना है जान लो, आप लोग को वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट देखना है एंड आप लोग को भाई लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा भी आप लोग को बढ़ा के नहीं देखना है, ठीक है, नहीं तो आप लोग भी कुछ इस टाइप का एडिटिंग नहीं सीख सकते, ठीक है। एंड जिस भाई को ऐसा एडिटिंग सरस्वती पूजा का सीखना है भाई लोग एंड आप लोग को भी धमाल मचाना है, तो भाई लोग वीडियो को एकदम स्टेप बाय स्टेप देख करके समझिएगा, तभी आप लोग एडिटिंग सीख पाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड कंटेंट की तरफ चलते हैं। सो जान तो देख सकते हैं सबसे पहले गैलरी में आ चुके हैं एंड आप लोग को गैलरी में आ जाने पर सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ओरिजिनल फोटो कुछ इस प्रकार से आप लोग को पोज में शूट कर लेना है एंड आप लोग को शूट कर देने का सिंपली आप लोग क्या करना है यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो शेयर पे क्लिक कर देंगे और सिंपली आप लोग कुछ नहीं करना है भाई लोग, सबसे पहले आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन का इंटरफेस मिलेगा, इस पे आप लोग क्लिक करके लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। सो जान तो देख सकते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में आ चुके हैं एंड आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद सबसे पहले आप लोग क्या करना है एक बार आप लोग को बैक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से बैक आ जाएंगे और सिंपली आप लोग को एक ग्रीन प्रीसेट देंगे, ठीक है, आप लोग को वो भी एकदम बवाल का प्रीसेट है, सिंपली आप लोग को सभी PNG और आप लोग को प्रीसेट, ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग क्या करना है वहाँ पे डाउनलोड कर देना है, ठीक है। सिंपली आप लोग क्या करना है इसको यूज करने के लिए 3 डॉट कोने पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है एंड आप लोग कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग को सभी बक्से में डन क्लिक कर देना है एंड आप लोग को डन कर देना है, ठीक है। डन कर देंगे सिंपली आप लोग को बैक आ जाना है एंड बैक आ जाने के बाद अपने ओरिजिनल फोटो में चले जाएंगे, तो देख सकते हैं अपने ओरिजिनल फोटो में आ चुके हैं एंड आपको सिंपली क्या करना है फिर से आप लोग को 3 डॉट कोने पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ से पेज सेटिंग क्लिक करना, ठीक है। पहले तो आप लोग क्या कहते हैं कॉपी सेटिंग किए थे बट आप लोग इस पर क्या करना है पेज सेटिंग पे भाई लोग क्लिक कर देना, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे एंड थोड़ा सा वेट कर लेना है, तो देख सकते कितना बवाल तरीका से आपका पेज भी एकदम गोरा भी हो चुका है एंड आप लोग कोई भी यहाँ पे एकदम फेस पे कहीं पे कोई भी निशान नहीं आया है, कभी कभी कलर आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग को इतना कर देने के बाद सिंपली आप लोग को शेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है, तो इस पे क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ पे शेयर का इंटरफेस मिला है, ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है, सिंपली आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है एंड आप लोग को वेट कर देने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ पे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। सो जान तो देख सकते हैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में आ चुके हैं एंड आप लोग को ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में आ जाने को सबसे पहले फोटो को जूम कर लेंगे एंड आप लोग को जूम कर देने के बाद यहाँ से आप लोग को ब्रश का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे और सिंपली यहाँ पे भाई लोग दिख रहा होगा सिंथेटिक पेंट, ठीक है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग को 3rd नंबर ब्रश इसको सिलेक्ट कर देना है एंड आप लोग को सेटिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं स्मोज लिखा हुआ है ना भाई लोग, यहाँ पे आप लोग को स्मोज को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर देंगे एंड आप लोग को सिंपली फॉलो को कितना रख लेना है 3 रख लेंगे एंड आप लोग को स्टैंड को 29 रख लेना है और आप लोग को साइज को अपने हिसाब से रखिएगा एंड आप लोग को फोटो को जूम करके यहाँ पे आप लोग को स्मूथ करना, ठीक है, तो आप लोग को बहुत ज्यादा बवाल का स्मूथ होगा और कहीं पे आप लोग को थोड़ा भी स्क्रेच का निशान नहीं आएगा, ठीक है, कहीं पे आप लोग को एकदम लेवल में स्मूथ होगा, ठीक है, ऊंच नीच यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग को सामने आपका भाई लाइव प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं स्मूथ कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है भाई लोग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्योंकि आप लोग को अच्छा सेटिंग का जानकारी दे दिए इसीलिए आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कुछ इस टाइप का स्मूथ कैसे करते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट स्मूथ कर लेते हैं। सो जान तो देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ कर चुके हैं एंड आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से स्मूथ किए हैं, थोड़ा भी जल्दीबाजी नहीं किए, आप लोग को भी जल्दीबाजी नहीं करना है क्योंकि आप लोग एकदम बवाल का फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आप लोग क्या करें यहाँ पे बक्से पे क्लिक कर देना है, इस पे क्लिक कर देना है एंड आप लोग को यहाँ पे सेव का इंटरफेस मिलेगा, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है एंड फोटो को सेव कर लेना है, तो सीधा गैलरी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं मेरा जो फोटो है ना वो सेव हो चुका है, ठीक है, आप लोग को दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं मेरा जो फोटो है ना सेव हो चुका है एंड आप लोग को सेव हो जाने के बाद सबसे पहले आप लोग क्या करना है इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है, ठीक है, आप लोग क्या करना है बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है, ठीक है।
आप लोगों को सबसे पहले अपने फोटो को एक PNG बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग अगर फोटो PNG नहीं बनाने आता है तो इस वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोग उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई लोग, नेट को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट को ऑन कर देते हैं एंड आप लोग को नेट को ऑन कर देने के बाद सिंपली शेयर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। शेयर पे क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को शेयर पे क्लिक कर देने के बाद आप लोग क्या करना है, फोटो रूम एप्लीकेशन होता है भाई लोग, तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आप लोग को शेयर कर देना, ठीक है। एंड आप लोग को शेयर कर देने के बाद थोड़ा सा आप लोग को वेट कर लेना, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन ले रहा है, तो आप लोग को यहाँ पे एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है, तो बहुत सारा आप लोग को ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना भाई लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को ट्रांसमिट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पे आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है। इस पे क्लिक कर देंगे एंड आप लोग इस पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप लोग को लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस पे क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है और सिंपली आप लोग को शेयर पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग को डाउनलोड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका जो PNG है ना, PNG में फोटो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो फोटो था वो PNG में कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाए थे गैलरी में आकर के, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका जो ना फोटो एकदम PNG हो चुका है, ठीक है। देख सकते हैं भाई लोग, आप लोग को जैसे बताया हूँ उस तरीका से आप लोग को सेव करना है तो आपका फोटो एकदम PNG में हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को अब क्या चाहिए, आपका जो फोटो है ना PNG में बन के रेडी हो चुका है, तो भाई लोग अब क्या चाहिए, आपका बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते यही बैकग्राउंड है, सिंपली ये बैकग्राउंड मैं खुद से बनाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, मैं टेलीग्राम पे सारा बैकग्राउंड PNG सब कुछ डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एंड आप लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ से आप लोग को शेयर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। शेयर पे क्लिक कर देंगे और सीधा आप लोग क्या करना है भाई लोग, पीकार्ड एप्लीकेशन में, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कट गया है, पीकार्ड एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। सो जान तो देख सकते हैं यहाँ पे पीकार्ड एप्लीकेशन में आ चुके हैं। एंड आप लोग को पीकार्ड एप्लीकेशन में आ जाने के सबसे पहले आप लोग को नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड आप लोग को यहाँ पे एडिट फोटो का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, यही पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग क्या करना है, एडिट फोटो पे क्लिक कर देना है और जिस फोटो को आप PNG बनाए थे, ठीक है, उस फोटो को यहाँ से एड कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते इसको एड कर दिए एंड आप लोग को सिंपली जूम करके, ठीक है, एंड आप लोग को जूम करके कुछ इस प्रकार से आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा भाई लोग, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग को सेम अच्छे तरीका से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आप लोग को एडजस्ट कर लेना है एंड आप लोग को एडजस्ट कर देने के बाद सिंपली देख सकते हैं फोटो जो है एडजस्ट हो चुका है। एंड आप लोग को इतना कर देने के बाद क्या करना है भाई लोग, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, तो सिंपली आप लोग को ध्यान रख लेना है एंड आप लोग को इरेज पर क्लिक कर देना है और जूम करके यहाँ पे देखिएगा भाई, रियल तरीका से लगना चाहिए, ठीक है, कि हैंड में ही माता रानी का पैर है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोग इरेज कर लीजिएगा एंड आप लोग को इतना कर देने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ से डन कर देना, ठीक है। डन कर देंगे एंड आप लोग को इसमें और 2-4 PNG लगेगा, उसको फटाफट एड कर लेते हैं। सो जान तो यहाँ पे देख सकते हो जितना भी PNG इसमें लगेगा सभी PNG को एड कर चुके हैं। एंड आप लोग को एड कर देने के बाद सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे माला वाला PNG को सिलेक्ट कर देना है। एंड आप लोग को सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ स्टेप से आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे आप लोग को एडजस्ट करना है एंड आप लोग को इरेज पर क्लिक कर देना है, तो इस एक पार्ट को आप लोग को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं इरेज कर चुके हैं एंड आप लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डन कर देना है एंड आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं लेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है एंड आप लोग को डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस पर क्लिक करके एक आप लोग को डुप्लीकेट लेयर बना लेना है और सिंपली आप लोग को यहाँ से फ्लिप रोटेट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है एंड फ्लिप रोटेट कर देना है, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से दोनों साइड से आप लोग को लगा देना है एंड आप लोग को इरेज पर क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं आप लोग को इरेज कर देना है, ठीक है। जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ वैसे आप लोग को भी इरेज कर देना है ताकि एकदम रियल लगना चाहिए भाई लोग, ठीक है। जब तक फोटो रियल नहीं लगेगा तब तक एकदम कमाल कर नहीं लगेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप को यहाँ पे इरेज कर देना है एंड आप लोग को इरेज कर देने के बाद देख सकते हैं इसको मूव डाउन कर देते हैं, ठीक है, मूव डाउन कर दिए एंड आप लोग को इसको फिर से इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बच गया था, इसको आप लोग को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आप लोग को इतना कर देने के बाद
एंड आप लोग को सिंपली इतना कर देने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे तिलक वाला पीएनजी को सिलेक्ट कर देना, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर देंगे। एंड सिंपली आप लोग को यहाँ से छोटा सा करके आप लोग को यहाँ पे जूम करके आप लोग को अच्छे तरीका से यहाँ पे माइंड पे लगा देना, ठीक है, ऐसे करके आप लोग को तिलक वाला पीएनजी को एडजस्ट कर देना है। एंड आप लोग को इतना कर देने के बाद यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे वाटर वाला पीएनजी मिलेगा, देख सकते हैं एकदम ब्लैक ब्लैक है, इसको आप लोग को हटाने के लिए नीचे स्क्रॉल करना है। एंड आप लोग को यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। एंड आप लोग को यहाँ पे स्किन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग को स्किन करके यहाँ पे ब्लेंड वाला पीएनजी को, यहाँ पे जो वाटर वाला पीएनजी है ना भाई लोग, इसको आप लोग ऐसे जूम करके यहाँ पे लगा देना, ठीक है, तो जैसे कितना बवाल के लग रहा है। तो सिंपली आप लोग को इतना कर देने के बाद यहाँ पे माँ वाला पीएनजी को है ना, सबसे पहले आप लोग को साइड में कर देना है। एंड आप लोग को ये वाला पीएनजी बहुत ज़्यादा बवाल के लगता है सभी फोटो में, कुछ इस टाइप से आप लोग को साइड में लगा देना है। एंड आप लोग को माँ वाला पीएनजी को एक आप लोग को यहाँ पे लगा देना है और सिंपली आप लोग एक डुप्लीकेट बना लीजिएगा। एंड आप लोग को एक क्या करना है, अपने हैंड के पास लगाना है भाई लोग, ठीक है, हैंड के पास लगाने के बाद बहुत ज़्यादा बवाल के लगता है, सिंपली आप लोग को ऐसे करके लगा देना है। एंड आप लोग को एक्स्ट्रा पार्ट है ना भाई लोग, उसको आप लोग को इरेज कर दीजिए, ठीक है, तो और ज़्यादा बवाल के लगेगा, देख सकते हैं कितना बवाल के लग रहा है। एंड आप लोग को डन कर देना है, सिंपली आप लोग को लाइट वाला पीएनजी को सिलेक्ट कर देना है। एंड आप लोग क्या करना है, ब्लेंड पे क्लिक कर देंगे, स्किन कर देंगे, तो देख सकते हैं आप लोग को जितना भी पीएनजी है ना भाई लोग एडजस्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा बवाल का फोटो लग रहा है, सिंपली आप लोग को डन कर देना है, ठीक है, तो देख सकते हैं फोटो जब बन के रेडी हो चुका है। एंड आप लोग को रेडी हो जाने के बाद सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ पे फोटो को डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। एंड आप लोग को यहाँ पे शेयर का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। तो भाई लोग आप लोग क्या करना है, फोटो एडिटिंग करने के बाद आप लोग को लास्ट में थोड़ा सा लाइटरूम एप्लीकेशन में एडिटिंग करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देते हैं। सो जान तो दे सकते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में आ चुके हैं। एंड आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन में आज में सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को एडिट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। एंड आप लोग को यहाँ पे लाइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, लाइट पे क्लिक कर देंगे। एंड आप लोग को नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आप लोग को ब्लैक का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, इसको आप लोग को माइनस कर देना है, सिंपली आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे 70 माइनस कर देना है। एंड आप लोग को क्या करना है, व्हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है, देख सकते हैं 8 बढ़ा दिए। एंड सिंपली आप लोग क्या करना है, कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। एंड आप लोग को यहाँ पे वाइब्रेंट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, इसको आप लोग को इनक्रीज कर देना है, ठीक है, आई मीन आप लोग को यहाँ पे 51 बढ़ा लेना है, तो आपका जो फोटो है ना बहुत ज़्यादा बवाल कर दिखेगा। तो देख सकते हैं आपका जो फोटो है ना बन के रेडी हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक एक प्यारा से कमेंट में कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट में आप लोग को जय माँ सरस्वती जरूर लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।